Good morning. Today is 27th November 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. आज डिस्कशन में आगे बढ़ें उससे पहले एक अनाउंसमेंट आपको बताना चाहता हूं कि आज के एडिशन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी में जो वो बाजीराव थे वो कहाँ मतलब जो मूवी में दिखाई गई थी उनका टाइटल क्या था? पेशवा था. वो कहीं के किंग नहीं थे, ठीक है. लेकिन महाराष्ट्र के रीजन में अगर देखा जाए, मराठाज को अगर देखा जाए, तो मराठा में अगर एक नामी कोई किंग का नाम है तो वो है शिवाजी. शिवाजी के बाद कोई ऐसे किंग उभर कर आते नहीं है. तो आखिर ये शिवाजी के बाद ये जो किंग है, किंग के बाद पेशवा का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये बहुत एक कंफ्यूजिंग टर्म है. और क्योंकि उससे रिलेटेड कल एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसके आंसर्स आप लोगों ने दिए भी हैं, तो वो पेशवाशिप और किंगशिप में क्या अंतर होता है और वो कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, इसके क्या कारण थे और वो फिर आगे किस तरीके से वर्चस्व अपना मराठाज का बढ़ता गया, तो मराठाज के बारे में आज आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा जो कभी भी आपके माइंड में फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. तो मजा आएगा आज के डिस्कशन को सुनने में. उससे पहले आज देख लेते कि कौन कौन से आर्टिकल आए जिसे हम लोगों को देखना है. पहला आर्टिकल है जिस आर्टिकल में बताई गई है कि मन की बात के बारे में. मन की बात अभी रिसेंटली में अपना 50वां एपिसोड इन्होंने कंप्लीट किया. हमारे प्रधानमंत्री जब ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को एक जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ा और उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था, माई गवर्नमेंट नाम का एक एप्लीकेशन है. इस एप्लीकेशन के थ्रू कॉमन पीपल जो है अपने कंसर्न को गवर्नमेंट के थ्रू पहुंचा सकते थे. गवर्नमेंट की वैसी कोई पॉलिसीज है उसके बारे में वो पूरी जानकारी वहां पर मिल जाती है और आपको कुछ भी चीज शेयर करना है या बताना है गवर्नमेंट से, वो सारी चीज मतलब टू वे इंटरेक्शन ये प्लेटफॉर्म दिलाती थी ताकि कॉमन पीपल जो है गवर्नमेंट के प्रति जिम्मेवारी अपनी दिखा सके. और इसका यूटिलाइज करके कोई भी पीपल जब उसमें अपने कंसर्न को डालता था, जैसे कि दीपावली के वक्त जो है दिए को खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को नहीं खरीदना, तो वैसे कंसर्न जब माई गवर्नमेंट ऐप पर डाले जाते थे तो ऐसे ऐसे कंसर्न को वहां से पिक करके और उस टॉपिक पे जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है इस चीजों को वहां पर जिक्र किया करते थे मन की बात में. और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि पूरे 50 एपिसोड हो गए लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इन्होंने पॉलिटिकल यूज नहीं किया, तो ये अपने आप में एक सराहनीय बात थी. और ये मतलब गवर्नमेंट से कॉमन पीपल को जोड़ने के लिए एक वन वे इंटरेक्शन, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि पीपल से डायरेक्ट वो संवाद करने की प्रक्रिया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य थी. तो यही पूरे आर्टिकल में बताई गई. इसके साथ एक और आर्टिकल है जिस आर्टिकल में बताई गई है, अभी देखो जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो वैसे स्थिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दो स्टेट्स के बारे में बताए गए और यहां से कंसर्न किसके बारे में उठाए गए, शेड्यूल ट्राइब मतलब कौन, आदिवासी लोग, हम जो लोग होते हैं, ठीक है. तो आदिवासी लोग के बारे में यहाँ पे कुछ कंसर्न बताए गए. पहला कंसर्न क्या कि ये जो है इनके मतलब इनके कम्युनिटी में एजुकेशन का रेट जो है वो बहुत ही कम है. साथ ही साथ एजुकेशन कम होने के कारण ये क्या है, सोशली बहुत एलिनेटेड है. सोशली एलिनेटेड होने के कारण क्या है, ये इकोनॉमिक भी बहुत ज्यादा एलिनेटेड है, बहुत ही कमजोर है. तो इन सब का प्रभाव किस चीजों पर पड़ता है, इन सब चीजों का प्रभाव इस चीजों पर पड़ता है कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं इनको गवर्नमेंट की मतलब जितनी भी पॉलिसीज होती है, खास करके देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी इन द सेंस वो जितनी सैलरीड पर्सन है, अगर शेड्यूल कास्ट में देखा जाए या फिर ओबीसी में देखा जाए या फिर कोई भी डिफरेंट कास्ट में देखा जाए, तो जितने नंबर आपको सैलरीज पीपल मिलेंगे एक्स वाई जेड, उससे बहुत कम मतलब 0.1% 0.2% जो है शेड्यूल ट्राइब के पीपल हैं जिनको सैलरी मिलती है. सैलरी मिलने का मतलब क्या कि वैसे शेड्यूल ट्राइब के वैसे लोग जो कि जॉब करते हैं, जिनकी मतलब आय जो है परमानेंट है, हर मंथ के एंड में उनको पैसे मिल जाती है, तो वैसे लोगों की जो है इनमें बहुत शेड्यूल ट्राइब में कमी है. और साथ ही साथ क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दी जाती है, लेकिन सबसे दयनीय देखने वाली बात ये बताई गई इस आर्टिकल में कि यहां पर जो नंबर ऑफ जैसे कि आप देखो एजुकेशनल कॉलेज हो गए या फिर जॉब हो गए या जितने भी मतलब चीजें होती है जहां पर उनको रिजर्वेशन मिली, नंबर ऑफ सीट्स जो है हम हर साल जो है बहुत सारे खाली ही रह जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, वो भर ही नहीं पाते. और ना भरने का कारण क्या है, क्योंकि उनके मतलब क्षेत्र में वो जो एजुकेशन का रेट है वो बहुत ही कम है. तो ये सारे कंसर्न यहां पर
पर उठाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, जहां पर मतलब अगर टोटल 5 स्टेट अगर इंडिया का ले लिया जाए, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी उसमें से 2 स्टेट होगा जहां पर आदिवासी लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन उनके कंसर्न को कोई सुनता नहीं, इलेक्शन आती है और पार हो जाती है। लेकिन इलेक्शन में भी जो हमारे नेता होते हैं, वो नेता किसानों के मुद्दों को उठाते हैं, ट्रेडर्स के मुद्दे को उठाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को उठाते हैं, धर्म के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन के मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और आदिवासी जो हमारे भाई बहन होते हैं, ये कितने मतलब नेचर के बहुत ही क्लोज होते हैं। नेचर के क्लोज होने के कारण इनको FRA मतलब फॉरेन रेगुलेशन एक्ट होता है, जिस एक्ट के तहत इनको प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन क्यों की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये जो भाई बहन हमारे होते हैं आदिवासी कम्युनिटी के, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये हमारे सोसाइटी से ज्यादा मतलब इंडल्ज नहीं होते, तो इनको पॉलिटिकली ये अवेयर नहीं होते और इनको जानकारी नहीं होती कि आखिर देश दुनिया में क्या चीजें कितनी मतलब विस्तृत रूप में चेंज हो रही हैं। तो जिस कारण से इन्हें बहला फुसला कर धोखेबाजी से कोई इनके जमीन को ना हड़प ले, ये सारी मतलब राइट्स कौन देखता है, FRA। लेकिन ये दोनों स्टेट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया कि वहां पर FRA भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और साथ ही साथ इसमें एक जिक्र ये भी बताया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलावा एक स्टेट है गुजरात, जो कि बोला जाता है बहुत डेवलप स्टेट है, लेकिन इस स्टेट में भी अगर आदिवासी की मतलब वहां कंडीशन देखी जाए तो वो बहुत ही दयनीय है। तो ये सारे कंसर्न इस आर्टिकल में उठाए गए। बाकी इसके ये आर्टिकल स्टार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से की गई, लेकिन इसके बाद जो एक पॉलिटिकल मूव ले ली कांग्रेस बीजेपी, इस तरीके का ये मूव ले ली, तो इसमें इतने ही मतलब जानकारी पूरे मतलब क्रक्स वे में दिए गए थे। आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ बातें जो कि चेंजेज आ रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस देख रहे हैं तो उसके जो वेबसाइट भी जो है चेंज हो गए, और ये जो इंडियन एक्सप्रेस है कुछ चेंज से गुजर रहा है। और आज का डेट है 27 नवंबर, जो कि ट्यूजडे है, और अभी समय देखो कितना हो रहा है, 3:46 AM। हम क्या करते हैं, आपको 5:30 में आर्टिकल मिल जाए मॉर्निंग में, इसके लिए जो है हम 4:00 के आसपास जो है आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग प्रक्रिया होती है और फिर वो अपलोड कर देता हूं मैं। लेकिन अभी 4 बज गए, यहां पर देख रहे हो टाइमिंग ऑफ 3:47, 4 बज गए, लेकिन आर्टिकल वैसे कुछ अभी तक मुद्दे वाले अभी कुछ ऐसे आर्टिकल आज तक अपलोड किए ही नहीं गए, और ये पिछले 2-3 दिन से ऐसी हो रही है। कल भी एक आर्टिकल मिस हो गई थी और ये मतलब मॉर्निंग में 6:00 तक अपलोड ही नहीं की गई थी। तो इस तरीके के ये इसमें अभी चेंजेज आ रहे हैं, तो जिससे परेशानियां आ रही है। खैर, वो जो आर्टिकल अगर कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे तो उसे DNA एनालिसिस में आज हम लोग देख लेंगे, उस मतलब ये बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो क्योंकि आज आर्टिकल वैसे कुछ मुद्दे वाले अभी तक नहीं आए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा शुरुआत में ही आपको बताया कि किंगशिप और पेशवाशिप के बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा, और मराठा किंगडम के बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, हमारी जितनी भी डिस्कशन होती है और साथ ही साथ IAS से रिलेटेड जितने भी स्टडीज मटेरियल हैं, वो सारे आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आगे डिस्कशन स्टार्ट करो, उससे पहले आपको 5-6 क्वेश्चन अपीयर होने मेडिवल हिस्ट्री के, जो कि आपको जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ये दोनों देखो पूरे जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स का मीनिंग किस तरीके से रिलेटेड है आपको बताने हैं, इसे मैच करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है जगत गुरु, मतलब मुस्लिम रूलर्स में जगत गुरु का जो टाइटल है वो किन्हें दिया गया था, ये बात आपको बतानी है। इसके साथ साथ एक और मैचिंग का क्वेश्चन है, इसके टर्म्स को अब ये कहां से रिलेटेड है आपको बताने हैं। साथ ही साथ मंगोल्स अंडर द चेंजेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग, जो मंगोल्स थे वो चेंजेज खान के अंदर ये कब यहां पर इन्वेड किए थे इंडिया में, ये आपको बताना। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड द बाबुल मक्का, जो कि गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था मुगल पीरियड में, ये कौन से पोर्ट को कहा जाता था ये आपको बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर जो है ये मैच द फॉलोइंग के बारे में आपको बताने कि करेक्टली मैच्ड कौन सी पेयर है। और ये जो अब देखते हैं कि कौन, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो पहला क्वेश्चन ये था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद, और ये जामा मस्जिद कहाँ की, कश्मीर के बारे में बात हो रही थी, ना कि न्यू दिल्ली की, जो कि कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था, जैन उल अब्दीन के द्वारा कंप्लीट किया गया था। मतलब ये बनाना स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, ये सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाना स्टार्ट किया गया था 1400 AD में, और ये जो है इनके बाद इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद
बाद ये कंप्लीट किसके द्वारा किया जाता है, जैन उल अब्दीन। तो दो चीजें आपको पता रखनी है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसके फीचर्स क्या थे, टरेट थे इसमें। हाँ, टरेट्स मतलब क्या होता है, बुर्ज, मतलब जो आप मस्जिद के ऊपर या फिर कोई भी बिल्डिंग के ऊपर एक जो ऊपर की एक छतरी जैसी चीजें देखते हो तो उसे हम लोग टरेट कहते हैं। सिमिलरिटी विद द बुद्धिस्ट, क्योंकि वहां पर कश्मीर में हिंदू लोग भी रहा करते थे तो बुद्धिस्ट पगोडास से भी उसमें सिमिलरिटी थी, और पर्शियन स्टाइल की ये जामा मस्जिद बनाई गई है। तो ये बात तीनों की तीनों जो है इसमें सही थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें ये जो नॉट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी मिस्टेक भी हो जाती है आंसर देने में। तो इसमें बताना है कि गलत इसमें से, मतलब ये कौन सही तरीके से मैच नहीं है। और इसमें क्या था राइट आंसर, अकबर, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है ये कौन थे, एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन। मतलब कौन थे, ये किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी पहले अभी भी वहां पर क्वीन होती है, प्रिंस होते हैं, तो वहां पर इंग्लैंड में प्रधानमंत्री होने से पहले क्या किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट था, और जब ब्रिटिश इंडिया आई थी तब भी वहां पर किंग हुआ करते थे। तो जेम्स वन जो किंग थे उनके एम्बेसडर बनकर आए थे सर थॉमस रो, लेकिन ये अकबर के टाइम पे नहीं आए थे, ये जो कब आए थे, ये जहांगीर के पीरियड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था कि ये दोनों लिस्ट करना है, और इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर बी था। और इसमें लैंड अलॉटेड टू द बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, इसका क्या था, जागीरदारी सिस्टम। अच्छा, ये जो पूरा आप देखते हो कि जितना, मतलब ये जिस तरीके से लैंड रिवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में देखी जाती थी, वो ऐसे चार सिस्टम थे जो कि मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन आपको दिया था, और ये चारों सिस्टम में छोटे छोटे अंतर थे। मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि जमींदारी सिस्टम किस तरीके से काम करता था। जमींदारी सिस्टम में सबसे ऊपर होते थे ब्रिटिश के गवर्नमेंट, दूसरे में कौन होते थे, जमींदार, और तीसरे कौन होते थे, पीजेंट्स। अब क्या होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जमींदार को क्या करते थे, लैंड, मतलब इनका जो पूरा लैंड है, मतलब इसमें क्या होता था, जैसे मान लो ये बंगाल रीजन को ले लो, तो बंगाल रीजन में क्या होगा कि बंगाल रीजन का पूरा लैंड जो है किसी का नहीं है, वो जो है किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस लैंड का क्या करेगी, उस लैंड को दे देती थी जमींदार को, ठीक है। अब जमींदार को देने के बाद इसको टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे क्या, कि जो आपको जो है रिवेन्यू कलेक्ट करके, पैसे कलेक्ट करके किसको दे देना है, ब्रिटिश को दे देना है टाइम पीरियड के वक्त। और ये जमींदार क्या करता था, एक पीजेंट्स को ढूंढता था, मतलब किसानों में भी जो थोड़ा, मतलब जिनका वर्चस्व अच्छा है, तो वैसे किसानों को ढूंढता था और किसानों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था। तो पीजेंट्स जो है सारे पैसे और जो देख रेख की बातें होती थी वो जमींदार को बताता था, और जमींदार जो है सारे पैसे जाकर ब्रिटिश को दे दिया जाता था। तो इसमें पैसे किस तरीके से काम करते थे, इसमें जो है 1/11 का कॉन्सेप्ट चलता था, मतलब अगर पूरे जमीन में, अगर पूरे पैसे में से मान लो 11 रुपए कलेक्ट किया जमींदार, तो 11 रुपए में से क्या होता था, 1 रुपए जमींदार का, और बाकी 10 रुपए किसका जो है, 10 रुपए जो हो जाता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता था। तो इस तरीके से जो है ये जमींदारी सिस्टम यहां पर काम करता था। और जमींदारी सिस्टम कहां पर था, ये जमींदारी सिस्टम आप देख लो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में, और इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा क्या है, दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम आपको ये थोड़ा, आपको जैसे ये राजवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, मतलब सुनकर ही लग रहा है कि कुछ ऐसे मतलब राजा महाराजा से रिलेटेड टर्म है। तो जी हाँ, ये बात भी वैसे ही थी। रैयत जो थे, ये रैयत सिस्टम ये 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें खास करके बॉम्बे हो गए, आसाम हो गए, और ये यहाँ पर किया गया। तो इसमें क्या होता था, ऑनरशिप जो राइट होते थे ये पीजेंट्स को दे दिए जाते थे, और वो जो है पीजेंट्स से ये डायरेक्ट, मतलब जो है पैसे जो है कौन कलेक्ट कर लेते था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, इसमें जमींदार, बीच का कोई मीडिएटर नहीं होता था, ये डायरेक्ट रैयत से ही कंप्लीट कर लिए, मतलब पीजेंट से ले लिए जाते थे। और इसमें भी एक कॉन्सेप्ट था, जैसे आपको जमींदारी में 1/11 का कॉन्सेप्ट समझाया, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई मतलब ड्राई स्ट्रीम जगह है जहां पर इरिगेटेड पानी सही तरीके से नहीं आई, तो वहां का 50% जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी, और अगर कहीं पर इरिगेशन अच्छा हो गया, पानी अच्छे, नदी के किनारे का जमीन है, तो वहां का 60% का उपजाऊ का जो मतलब पैसे होते थे वो किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हो जाते थे, बाकी 40% रैयत के पास रहते थे, पीजेंट्स के पास रहते थे। तो इसमें जमींदार का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद आई महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि मतलब पूरे लैंड, जैसे आप देख रहे हो जो लैंड जो है वो किसका है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, पूरा का पूरा जमीन। अब उस जमीन को मतलब महल में कन्वर्ट कर दिया जाता था। महल मतलब क्या होता था,
था कि मतलब चार पांच विलेजेस को मिलाकर एक महल, जो फिर चार पांच विलेज मिलाकर एक महल, तो इस तरीके से महलवारी सिस्टम में इसे मतलब कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो मतलब इसकी जो इस महल का, मान लो कि ये 1, 2 और ये 3 आपको दी है, तो मान लो थर्ड जो महल है, तो यहाँ की जितनी भी लैंड आएगी इस विलेजेस में, मान लो चार पांच विलेजेस ऐसे मिले हुए, तो ये चार पांच विलेजेस मिले हुए के जो कंसर्न होंगे, ये एक विलेज की कम्युनिटी यहाँ पर होती थी, कॉमन कम्युनिटी, वो कम्युनिटी इसकी देखरेख करती थी। और यही जो है पूरी पैसे की, कहाँ पर कितने पैसे रखने हैं, किसको कितने देने, ये सारी चीजें जो है ये कम्युनिटी ही देखती थी। तो इसे हम लोग महलवारी सिस्टम कहते थे। और चौथा सिस्टम क्या था, महलवारी सिस्टम हो गया जागीरदारी। जागीरदारी सिस्टम क्या होता था, जागीरदारी सिस्टम में यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है क्या कि लैंड अलॉटेड टू द बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड, ये तो मैंने आपको बताया कि बड़े फ्यूडल जो लैंडलॉर्ड होते थे उनको जो है ये चीजें दे दी जाती थी जागीरदारी सिस्टम में। तो ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चलते थे। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सांभाजी, इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि सांभाजी के बाद मराठा को कौन जो है मतलब एक हाइनेस पे लेकर गया। तो मराठा किंगडम के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको आज थोड़ी विश्लेषण के साथ देता हूं। तो मराठा किंगडम का मतलब राइज कब हो रहा है, मराठा किंगडम का राइज हो रहा है कब, 18th सेंचुरी में। और ये वही वक्त है जब मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे अपना वर्चस्व खो रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होना स्टार्ट होती चली जा रही है। अब पहले फैमिली स्ट्रक्चर समझो कि मराठा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। पहले जो मतलब सबसे ऊपर आते हैं इनका नाम है शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले, और इनकी वाइफ कौन है, जीजाबाई के नाम से इनकी वाइफ के नाम जानी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों हैं शाहजी भोसले और जीजाबाई। अब इनके पुत्र होते हैं, जिनका पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम क्या होता है, इनके पुत्र का नाम है शिवाजी, ठीक है। अब जो शिवाजी हैं, शिवाजी के अब दो पुत्र हैं, ठीक है, शिवाजी के दो पुत्र हैं, एक है राजा राम, ठीक है, और दूसरा क्या है, सांभाजी, ठीक है, दूसरे कौन है, सांभाजी इनके नाम है। और सांभाजी के बाद कौन है, सांभाजी के बाद आते हैं साहूजी, ठीक है। ये इस तरीके से ये पूरी इनकी फैमिली चलती है। सबसे ऊपर है शाहजी भोसले और जीजाबाई, उनके पुत्र होते हैं शिवाजी, और शिवाजी के दो पुत्र आते हैं, एक राजा राम आते हैं और दूसरे कौन आते हैं, दूसरे सांभाजी आते हैं, ठीक है, और सांभाजी के पुत्र होते हैं साहूजी। अब देखो ये काम किस तरीके से करता है, शिवाजी तक तो चलो जो बातें हैं सो बातें हैं, लेकिन शिवाजी के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो राजा राम जो आप देख रहे हो, राजा राम और ये सांभाजी में आखिर कौन लेगा वहाँ का थ्रोन। तो जब शिवाजी का डिफीट हो जाता है मुगल के साथ लड़ाई के में, तो उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब आता है और ये इनको सांभाजी को कैप्चर किडनैप करके लेकर चला जाता है, ठीक है, इनको किडनैप करके लेकर चला जाता है। तो वहां का जो अब वैकेंट वैक्यूम बन जाता है, तो उस वैक्यूम को पूरा करने का काम कौन करते हैं, राजा राम करते हैं। तो वो जो है जिस शिवाजी का जो मतलब एनेक्सेशन, जितनी वीरता के साथ वो काम किया, उसको ये चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उनकी जो है डेथ जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जब अकस्मात मृत्यु हो जाती है राजा राम की, तो इनकी वाइफ का नाम है, राजा राम की वाइफ का नाम क्या है, इनकी वाइफ का नाम है ताराबाई, ठीक है। तो ताराबाई वेट करती है कि हमारा जो पुत्र होगा वो पुत्र अब गद्दी को संभालेगा। लेकिन तब तक क्या होता है, औरंगजेब जो किडनैप करके लेकर जाता है किसको, सांभाजी को, यहां पर इनके दूसरे पुत्र को शिवाजी को, इनको फ्री कर देता है। तो जब ये फ्री होता है तो ये अपनी गद्दी संभालने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन ताराबाई जो है ये बोलती है कि मैं अपने पुत्र को गद्दी दूंगा, मैं तुमको नहीं दूंगा। तो यहां पर एक लड़ाई होती है, और क्योंकि ये जो किडनैप हो गए थे तो इनको उतनी स्किल्स वार की नहीं आती, तो जिस कारण से ये अकेले नहीं लड़ सकते थे, तो अकेले नहीं लड़ने के कारण ये एक व्यक्ति का साथ लेते हैं, और उस व्यक्ति का ही नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो ये जो है सांभाजी, ये किसके साथ लड़ते हैं, ये जो है मतलब सांभाजी के पुत्र जो साहू जी हैं, जब ये किडनैप हो जाते हैं उसके बाद ये लोग लड़ते हैं, और लड़ने के बाद बालाजी विश्वनाथ के साथ ये दोनों साथ में आते हैं, और साथ में आने के बाद यही बालाजी जब अब ये साथ आ गए, साथ आने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है, सांभाजी का जो पुत्र है साहू जी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इनको तो हरा दिए राजा राम की
मृत्यु हो चुकी है, साहू जी की मृत्यु हो गई और अब ये इन दोनों की भी मृत्यु हो गई। बच गए कौन? बालाजी विश्वनाथ, जो कि इसके साथ युद्ध किए थे। अब जो बालाजी विश्वनाथ आए, क्योंकि ये राजा तो है नहीं, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट को बनाया गया और यहीं से कॉन्सेप्ट उभर कर आया पेशवा शिव का। तो अब मराठा किंगडम, जिस तरीके से शिवाजी जो थे तो पूरे किंगडम को अकेले संभालते थे क्योंकि वो किंग थे, तो अब मराठा किंगडम को चार भागों में बांट दिया गया। ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांट दिया गया, ये एक देख लो, ये दो देख लो, ये तीन देख लो, ये चार देख लो। और चारों का नाम था, एक ग्वालियर था, दूसरा था बड़ौदा, तीसरा था इंदौर और चौथा था नागपुर। ठीक है, ये चार भागों में बांट दिया गया और उस चारों के अलग अलग रूलर्स भी थे, जो कि मतलब जिसको ग्वालियर के रूलर्स को कहा जाता था सिंधिया, बड़ौदा के रूलर्स को गायकवाड़, इंदौर के रूलर को होलकर और नागपुर के रूलर को भोसले नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या उभर कर आ गया? यहाँ पर कॉन्सेप्ट उभर कर आ गया पेशवा शिव का। पेशवा का अर्थ क्या होता है? पेशवा एक पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया। तो ठीक है, तो पेशवा का अर्थ अगर आप देखो कि मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है जो कि मिलिट्री में और डिप्लोमेसी में अच्छा खासा स्किल्स रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पेशवा कहते हैं। तो पेशवा शिव के फैमिली स्ट्रक्चर को पहले समझो। जैसे कि मैंने आपको मराठाज के स्ट्रक्चर को समझाया, तो यहां पर सबसे ऊपर ऑब्वियसली बालाजी विश्वनाथ होंगे, क्योंकि ये साहू जी के साथ युद्ध किए हैं। बालाजी के विश्वनाथ के बाद आते हैं बालाजी राव, क्या आते हैं? बालाजी राव। ठीक है, बालाजी राव के बाद कौन आते हैं? बालाजी राव के दो पुत्र होते हैं। ठीक है, बालाजी राव के दो पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम है रघुनाथ राव। ठीक है, पहले पुत्र का नाम रघुनाथ राव है और दूसरे पुत्र जो बालाजी, दूसरे पुत्र का नाम है बालाजी बाजी नाम से ये जाने जाते हैं और साथ ही साथ नाना साहिब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अब आप देखो, नाना साहिब के नाम से जानने के बाद, क्योंकि बालाजी के बाद ये बालाजी बाजी आते हैं, नाना साहिब आते हैं और इनके भी एक पुत्र जो आप देख सकते हो, इनके जो चार पुत्र होते हैं इसके बाद। ठीक है, तो इनके चार पुत्र के बारे में तो आज ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे नाम में बता देता हूं, इनके चार पुत्र होते हैं विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव, तीन पुत्र होते हैं। ठीक है, और चौथे पुत्र जो होते हैं ये रघुनाथ राव के होते हैं, बाजी राव टू नाम से ये जाने जाते हैं। खैर, हमारा जो डिस्कशन का कॉन्सेप्ट आपको जो मैं बताने जा रहा था, जो बाजीराव, जो आपने मस्तानी मूवी देखी थी, तो ये व्यक्ति कौन थे? ये बालाजी राव वन नाम से जो जाने जाते हैं, यही थे। मतलब बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र हैं बालाजी राव, वही थे जो बाजीराव मस्तानी संजय लीला भंसाली मूवी ने जो आपको बनाए थे। तो अब देखो, बालाजी विश्वनाथ जब थे, तो जब इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो वो किस तरीके से काम करते थे? तो ये सेना करते के टाइटल को मतलब इनको दिया गया। सेना करते मतलब कौन? जैसे कि आज आर्मी में जनरल होता है, तो उसी तरीके से सेना करते का ये टाइटल इन्होंने निकाला। दूसरी बात, ये जो पहले पेशवा थे और साथ ही साथ ये मराठा एम्पायर के मतलब फाउंडर भी कहे जाते थे, और ये मतलब साहू जी को मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जिस तरीके से शुरुआत में सांभाजी और साहू जी थे, तो जिस तरीके से उनको किडनैप कर लिया गया था, तो उनको फ्री करने में इनका बहुत मतलब अच्छा खासा रोल था। उसके बाद जब ये बाजीराव आते हैं, बालाजी विश्वनाथ का, अच्छा बालाजी विश्वनाथ जो है ये चौट सिस्टम और सरदेशमुखी सिस्टम, ये सब चीज़ों का ईजाद कौन करते हैं? बालाजी विश्वनाथ करते हैं। और इनको जो है ये मैग्ना कार्टा ऑफ द मुगल डोमिनियन के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ जो है मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल डोमिनियन के नाम से जाने जाते हैं। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं कौन? ये बाजीराव। जो बाजीराव हैं, ये जो है मराठा एम्पायर को मतलब एक किंगडम हुआ करती थी, मराठा किंगडम हुआ करती थी, किंगडम को एक एम्पायर में कन्वर्ट कर देते हैं। और उनकी पॉलिसी कैसी थी? उनकी पॉलिसी ये थी कि मतलब ये आप जो है मराठा को मतलब कृष्ण रिवर, जो कि साउथ में पाई जाती थी, उसके पार तक मतलब लेकर जाना है मराठा रूल को। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट भी दिए थे, जिनका कॉन्सेप्ट का नाम था हिंदू पल पदशाही का नाम, मतलब ये होता था कि जितने भी, क्योंकि इनकी लड़ाई किसके विरुद्ध थी? मराठाज की लड़ाई जो थी ये मुगल के विरुद्ध थी। तो ये जो है हिंदू पल पदशाही के तहत ये क्या बोलते थे कि जितने भी हिंदू रूलर हैं सबको एक कॉमन
मतलब छत्र छाया के नीचे आने चाहिए और सबको एकत्रित होकर जो है ये मतलब मुस्लिम से और फिर मुगल से इन लोगों से हमें लड़ने की आवश्यकता है। और ये जो आप उसमें देखे होंगे मूवी में भी कि ये निजाम ऑफ हैदराबाद को हराने में सक्षम हो जाते हैं, और वो कौन सा बैटल रहता है, वो जो बैटल ऑफ पालखेड जो कि नासिक में हुआ था उसमें। और ये 1737 में जो है अपने कैपिटल को सतारा शिफ्ट कर देते हैं, और मतलब पहले जिस तरीके से जो मतलब बाजीराव के टाइम में कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाती है, सतारा में शिफ्ट हो जाती है, और सतारा शिफ्ट होने के बाद ये दिल्ली पर भी अटैक करते हैं। और ये जो आप देखो इनकी जो दूसरी वाइफ थी, मतलब बाजीराव की दूसरी वाइफ थी, वो कौन थी, वो थी मस्तानी थी। और वो जो मस्तानी थी वो किनकी पुत्री थी, ये छत्र सहेल ऑफ बुंदेलखंड की पुत्री थी आई गई है। बाकी इसके बाद बाजीराव के बाद भी आते हैं बालाजी बाजीराव जो कि नाना साहेब हैं, जो कि मूवी में भी आपको दिखाया गया था कि मस्तानी को जब वो किड मतलब बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है तो नाना साहेब किस तरीके से वहाँ पे थ्रोन पे बैठते हैं। तो आगे कभी हिस्ट्री की लेक्चर होगी तो मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट मराठाज और मतलब पेशवाशिप की थी। तो आप ये बेसिक चीज़ें समझ गए कि पेशवाशिप आखिर आती कहाँ से है। पेशवाशिप जो है क्योंकि मतलब जब शिवाजी की मौत हो जाती है तो शिवाजी की मौत होने के बाद क्या है वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम क्रिएट इसलिए हो जाता है क्योंकि औरंगजेब जो उनके पुत्र हैं सांबा जी को और साहू जी को क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं। और जब वो छूट कर आता है तो छूट कर आने के बाद वो अकेले लड़ने में सक्षम नहीं हो पाते, तो वो जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ लड़ते हैं। और वहां पर फिर से जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो बालाजी विश्वनाथ जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं मराठा किंगडम को बढ़ाने का, और यहीं से जो है पेशवाशिप का कॉन्सेप्ट उभर कर आगे बढ़ता है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मतलब अरेंज करना था, मैंने सबके डेट भी आपको लिख दिए। तो ये पहले नंबर पे कौन होता है, कुतुब मीनार का फॉर्मेशन होता है जो कि 1206 से 1210 के बीच में हो रही है। दूसरे नंबर पर कौन हो रहा है, ये जो कि आप देख रहे हो डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद होता है अराइवल ऑफ पोर्तुगीज, और उसके बाद रेन ऑफ द कृष्णदेवा विजयनगर के बारे में। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपको मेरा हिस्ट्री का वो मराठे का जो इंफॉर्मेशन था वो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।